नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा, फैशन स्टडीज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको चोरस गले में नेक फिनिशिंग करना बता रही हूँ। पहले वीडियो में मैंने गोल गले पर पाइपिंग, फेसिंग, पूरे पट्टी लगानी सिखाई थी और आज मैं चोरस गले पर शेप पट्टी लगाना बता रही हूँ। ये देखो, मैंने 2.5 इंच चौड़ा लिया है नेक और 5 इंच लंबा लिया है। ऊपर से मैंने 2.5 लिया है, नीचे से मैंने 2.25, क्योंकि ये चोरस गला है इसलिए इसको 2 पॉइंट नीचे से मैंने कम लिया है। और इसको इस तरह से निशान लगा देंगे। इस चोरस गला ऐसे ही लिया जाता है। ये आपका, अब इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। इस प्रकार ये आपका चोरस गला कट गया है। अब इसकी जो पट्टी है इसको अलग रख दूंगी। और ये कपड़ा है, ये मैं दूसरे कलर की पट्टी लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इसको किस तरह से रखना। अब ये मैंने इसका नेक जो है कटिंग किया था बिल्कुल सेम इसी पट्टी को इसके ऊपर रख करके, देखिए, और हम निशान लगा के इस पट्टी को काट लेंगे। बिल्कुल इसी शेप में ये मैंने इसको काट दिया है। और यहाँ से 1.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के इसको हम अलग कर लेंगे। यहाँ से भी इसको अलग कर लेंगे। ये मैंने इसकी पट्टी काट दी है इस प्रकार से। अब क्या करना है, इस नेक को इस तरह से लेंगे। ये सीधी, ये कपड़े की सीधी साइड है और पट्टी की भी ये सीधी साइड है। कपड़े की सीधी साइड और पट्टी की सीधी साइड इस तरह से रख लेंगे, कोने से कोना मिला लेंगे और ऊपर इस प्रकार से रखेंगे। ये देखो, और एक पैर की सिलाई हम यहाँ लगाते हैं। मैंने कलर धागा भी जो है दूसरे कलर का लिया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके कि किस प्रकार से हमने इसकी सिलाई लगाई। ये फेसिंग है, बिल्कुल गले की शेप में मैंने पट्टी काटी है और इसी शेप में मैं इसको एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ भी बिल्कुल कोने से कोना मिल जाएगा। ये देखो, ये कोने से कोना मिल जाएगा इस तरह से बिल्कुल। और एक पैर की सिलाई लगाते हुए जब भी कपड़े को घुमाना है तो सुई की नोक जो है वो नीचे होनी चाहिए, तब आप इस कपड़े को घुमाना। और इस प्रकार ये आप इसको हम अलग कर लेंगे। अब क्या करना है, ध्यान से देखना, सिलाई से दो थोड़ा सा बचा करके एक कट लगा देंगे इस तरह से। इधर भी एक कट लगा देंगे लेकिन सिलाई को बचाना है, सिलाई को नहीं काटना। ये ध्यान से देखो,
ये मैंने कट लगा दिया। कट लगाने के बाद या तो आप प्रेस कर लें और नहीं तो इस प्रकार से फिंगर प्रेस कर लें पूरे कपड़े पर इस प्रकार। और इधर से भी चार तीनों तरफ से फिंगर प्रेस कर लें। अब ये देखो, ये देखिए, अब जो है इस पट्टी के किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। ये देखो कपड़ा सारा पट्टी की तरफ होगा, सीधी साइड से अब इस प्रकार से कपड़े की जो पट्टी है उसके किनारे पे आप लोगों ने सिलाई लगानी है। जब आप ये नेक बनाना सीख जाएंगे, ये मैं आपको बेसिक से सिखा रही हूँ ताकि आपको फिर आगे परेशानी ना हो। जो नए सीखने वाले हैं उनको ख़ास तौर पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम सिलाई लगाएंगे, गले को फिनिश करेंगे। क्योंकि कोई भी वस्त्र अब जब हम सिलते हैं तो नेक जो है फिनिशिंग सबसे ज़रूरी है, क्योंकि सामने सबसे ज़्यादा जो है नेक पर ही नज़र जाती है। इस प्रकार से देखो कपड़े को, सुई को नीचे करके कपड़े को ऐसे पीछे करके और इस प्रकार से आप ये सिलाई को पूरी कर लें। इसको जो है पूरी सिलाई को हम फिनिश कर देंगे। के बाद ये देखिए, ये नेक जो है वो आपका कितना इस प्रकार से आप इसको तैयार करेंगे। ये देखिए, अब आप या तो फिर प्रेस कर लीजिए, और अगर प्रेस नहीं कर पा रहे हो तो आप इसी प्रकार से इसको देखो इस तरह से हम सेट कर लेंगे इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, इसको आधा इंच के करीब अंदर मोड़ देंगे इस प्रकार। और सबसे पहले ना आप लोग क्या करें कि कच्चा कर लें मशीन से ही। मैं आपको कच्चा करके दिखा रही हूँ, आप लोग पहले हाथ से कच्चा करें फिर इस पर हेमिंग करें इस प्रकार से। देखिए चारों तरफ से एक जैसा मोड़ना है, जितना यहाँ से चौड़ाई ली है उतनी ही चौड़ाई आप यहाँ से लेंगे। चारों तीनों तरफ से एक जैसा मोड़े इस प्रकार। मैंने अलग कलर की पट्टी और अलग कलर का धागा लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोग सेम कलर का धागा और सेम कलर की ही पट्टी लगाएं। देखिए ये इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आप जब भी कपड़े को मोड़ोगे तो सुई जो है वो कपड़े के अंदर होनी चाहिए। और इस प्रकार से इस ऐसे मोड़ते हुए और ये आप कच्चा कर, ये देखिए आपका जो नेक है वो शेप पट्टी के द्वारा मैंने फिनिश कर दिया है। इस अंदर मोड़ने वाली पट्टी को हम फेसिंग पट्टी भी कहते हैं। जो भी पट्टी अंदर जाती है उसको हम फेसिंग भी कहते हैं। ये देखो ये आपका चौरस गला सेब पट्टी के द्वारा तैयार हो गया है। थैंक यू।